सब देखने और सुनने वालों को बाबर खान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो आज आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपको बताऊँगा कि अगर आपने शहर में सफ़र करना है तो उसके लिए आपको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको खुद निकालनी पड़ेगी मशीन से। तो आइए देखते हैं कि टिकट कैसे निकालते हैं, उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं और आप किस तरह खुद टिकट निकाल सकते हैं, कैश से, कार्ड से। तो चलिए चलते हैं। तो इस तरह की मशीन से आप अपना टिकट ले सकते हैं अगर आपने इंटरसिटी कहीं भी सफ़र करना है। अगर मशीन सोई हो, टच सिस्टम है सारा, तो इसको प्रेस करना है, आगे ऑप्शंस आ जाएंगी। रात को बनाने का मकसद ये है कि सारा कुछ क्लियर नज़र आए। मैंने दोपहर को कोशिश की थी लेकिन धूप की वजह से साफ़ नज़र नहीं आ रहा था। तो इस मशीन से लिया हुआ टिकट ट्राम, बस, एसबान और सूग मतलब एक्सप्रेस ट्रेन है जो दूसरे सिटी तक भी ट्रैवल करती है, उसमें वैलिड है। टिकट लेकर सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको तकरीबन 60-80 यूरो तक का फ़ाइन हो सकता है। टिकट की कॉस्ट तकरीबन 2-2.5 यूरो है, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो 60-80 यूरो फ़ाइन हो सकता है। आप के पास अगर चेकर आए, आप गूंगे बहरे बनकर जान छुड़ा सकते हैं, जो कि एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होता। किसी वक्त आप पकड़े भी जा सकते हैं तो वो चेकर आपको नहीं छोड़ेगा। तो आइए आपको बताता हूँ कि इसमें कितनी ऑप्शंस हैं और किस तरह टिकट निकाली जा सकती है। अगर आपको जर्मन आती है तो वेल एंड गुड, जर्मन में सारी ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल हैं क्योंकि जर्मन मशीन है। तो ये सिटी टू सिटी ट्रैवल, सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए मशीन है। तो इसके ऊपर सिर्फ दो ऑप्शन हैं, जर्मन की और इंग्लिश की। तो हम इंग्लिश वाली ऑप्शन दबाते हैं। इंग्लिश में निकल आएगा कि स्टार्ट डेस्टिनेशन ऑफ जोन। ये हर जोन में अलग, हर जोन की टिकट अलग से निकलती है मशीन में। इस जोन का नंबर जो है वो 110 है, तो वो ऑलरेडी आप टिकट निकालेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आप मशीन पे खड़े हैं और वो कौन सा जोन है। सॉरी, आप वापस जाएंगे तो यहाँ पे आपको जोन नज़र आएगा, ये 110 जोन है। तो अब अगर आप टिकटों की ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे सिंगल टिकट है जो कि एडल्ट्स के लिए है, 270 यूरो। पूरे दिन की टिकट 760 यूरो, चाइल्ड की टिकट 120, और ये सिर्फ चार स्टॉप के लिए सिंगल टिकट 190 की। फिर फेयर जर्नी 10 यूरो और मंथली कार्ड 78 यूरो 90 सेंट का। तो मैं निकालूँगा मंथली कार्ड, लेकिन मेरे पास लाइब्रेरी कार्ड है। तो मंथली कार्ड निकालने के लिए अगर आपके पास लाइब्रेरी कार्ड है तो आप जाएंगे ऑल के ऑप्शन पे। ऑल के ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, सिंगल टिकट, डे टिकट, फेयर जर्नी, वीकली और मंथली। मैं जाऊंगा मंथली टिकट पे। तो मंथली मेरे पास लाइब्रेरी पास है, मैं उससे निकालूंगा, प्रेस वन करूंगा। तो ये देखें, मंथली कार्ड लाइब्रेरी पास अगर आपके पास हो तो वो कितनी चीप हो जाएगी। इसमें अपना नंबर डालूंगा मैं, फ़र्ज करें तो नेक्स्ट करूंगा, तो फिर स्टार्ट फ्रॉम टुडे, नेक्स्ट करूंगा। तो इसकी कॉस्ट होगी लाइब्रेरी पास के साथ 35 यूरो। लाइब्रेरी पास है ये, आपको फिर किसी दिन बताऊंगा कि ये कैसे बनता है तफसील से। ये स्टार्ट बुर्गर टाम से बनवाना पड़ता है, और लाइब्रेरी पास अगर आपके पास हो तो आपको काफ़ी जगह पे काफ़ी कंसेशंस मिल जाती हैं। और एक अहम बात, ये जोन है 110। अगर आपने जोन चेंज करना है, मतलब आप फर्ज करें जोन 110 में खड़े हैं, टिकट आपको चाहिए किसी और जोन की, स्टार्ट जील पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी पूरे शहर के जोन की, 127, 151, 110, 165। यानी फ़र्ज़ करें आपने 110 से 165 में सफ़र करना है, 110 में तो ये टिकट वैलिड होगी इसी मशीन की, लेकिन अगले की भी इसी मशीन से निकल आएगी, लेकिन उसके लिए आपको जोन देना पड़ेगा। तो वो दोनों जोन की सारी इकट्ठी आ जाएगी। तो ये सिर्फ सिटी में सफ़र करने के लिए अगर आपको टिकट की ज़रूरत है तो वो इस मशीन से निकलेगी। अब अगर आपने आउट ऑफ सिटी सफ़र करना है तो उसकी टिकट जो निकलेगी वो, अगर आप मेरा एस बान वाला स्टॉप देखें
तो उसके अंदर जो मशीन लगी है, अगर आपने आउट ऑफ सिटी सफ़र करना है तो वो टिकट उस मशीन से निकलेगी। तो ये सिर्फ सिटी के अंदर सफ़र करने के लिए हर स्टॉप पे, ट्राम के हर स्टॉप पे तकरीबन अवेलेबल होती है। तो बसों में अगर आपने सफ़र करना है तो बसों में टिकट आपको बस के ड्राइवर से भी मिल जाएगी, लेकिन आप इसी टिकट से भी बस में भी सफ़र कर सकते हैं। तो टिकट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आ जाएगा पेमेंट मेथड, कि आपने किस तरह से पेमेंट करनी है। तो पेमेंट मेथड अगर आपने क्रेडिट कार्ड से करनी है तो क्रेडिट कार्ड के लिए ये वाला खाना है जो कि बिल्कुल पिन के नीचे है। अगर आपके पास सिक्के हैं तो सिक्कों के लिए ये वाला खाना है। और अगर आपने कैश से निकालनी है तो कैश आपको यहाँ से डालना पड़ेगा। और जब आपकी टिकट रेडी हो जाएगी तो टिकट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और आपका चेंज अगर आपने ज़्यादा पैसे डाल दिए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका बकाया भी इसी जगह पर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो मैंने लिया है मंथली कार्ड जो कि वैलिड है एक मंथ के लिए, 9 मई टू 9 जून सुबह 4 बजे तक। इसकी कीमत है 35 यूरो। ये लाइपजिग सिटी का है, लाइपजिग पास के साथ। अगर लाइपजिग पास नहीं तो इसकी कीमत डबल होगी। और आपको टिकट के साथ ही आपकी रसीद मिलेगी कि आपने जो पेमेंट की है वो कैसे की है, उसका बिल, ये एक हिसाब का बिल है आपका